नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। कोरोना संकट में जहां गरीब मजदूरों के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और तमाम समाज सेवी संगठन अपने अपने स्तर पर उनकी मदद करने में लगे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी मजदूरों की मजबूरी पर घटिया सियासत कर रही है। सियासत भी ऐसी कि जिसकी पोल भी तुरंत खुल रही है। जब पहले तो सोनिया गांधी ने मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए चलाई गई श्रमिक ट्रेनों के किराए पर राजनीति करने की कोशिश की, मगर जब सच्चाई सामने आई तो सोनिया गांधी के झूठे दावों की पोल खुल गई। इसी बीच जब मजदूरों पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक नया दाव चलाया जो उन पर ही भारी पड़ गया। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 16 मई को अपील की थी कि उनकी पार्टी को 1000 बसें चलवाने की अनुमति दी जाए जो प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में मदद करेगी। बाद में उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा था कि बसें यूपी बॉर्डर पर इंतजार कर रही हैं। साथ ही उन्होंने बसों का एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें अधिकतर बसें राजस्थान सरकार की नजर आ रही हैं, वो भी 100 बसें नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा। जिसके बाद 1000 बसों को चलाने की अनुमति देने के साथ ही यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पत्र भेजकर लखनऊ में बसें हैंडओवर करने की बात कही। इस पत्र को देखकर प्रियंका ने नया दांव चला। प्रियंका के निजी सचिव ने अपर मुख्य सचिव को पत्र में कहा कि प्रवासी मजदूर गाजियाबाद और नोएडा स्थित दिल्ली सीमा पर फंसे हैं, ऐसे में लखनऊ को बस भेजना समय और संसाधन की बर्बादी है और गरीब विरोधी मानसिकता की उपज है। इसके जवाब में योगी सरकार की ओर से अवनीश अवस्थी ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव को पत्र लिखकर कहा कि 500 बसें गाजियाबाद के कौशाम्बी और साहिबाबाद बस अड्डे पर दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध करा दें। इसके अलावा 500 बसें गौतम बुद्ध नगर को एक्सपो मार्ट के निकट ग्राउंड पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिसके बाद मजदूरों पर राजनीति करने वाली प्रियंका गांधी अपने दावों पर बुरी तरह फंस गई, मगर फिर भी सोशल मीडिया पर लगातार प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है जिसमें किसी हाईवे पर बसों की कतारें लगी हैं। सबसे पहले तो इस तस्वीर को एनडीटीवी के पत्रकार उमाशंकर सेन ने पोस्ट करते हुए लिखा कि बढ़िया खबर, यूपी सरकार ने कांग्रेस की तरफ से भेजी गई बसों को चलाने की इजाजत दी, जिसके बाद इनको कांग्रेस की चमचागिरी बताकर ट्रोल किया गया था, जिसके बाद इन्होंने इस तस्वीर को सांकेतिक तस्वीर बताया था। दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने मजदूरों के लिए इन बसों की व्यवस्था की है, लेकिन योगी सरकार इन बसों को चलाने की इजाजत नहीं दे रही है। फेसबुक पर कई यूजर्स ने एक ही कैप्शन के साथ इस तस्वीर को शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि शर्मनाक, ये कोई जाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने 1000 बस तैयार कर रखी है मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए, लेकिन योगी जी परमिशन नहीं दे रहे हैं। फिर क्या था, हमने तस्वीर की पड़ताल की। इसके लिए हमने इस तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज में सर्च किया तो पता चला कि ये तस्वीर पिछले साल कुंभ मेले के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खींची गई थी। ये तस्वीर कई न्यूज वेबसाइटों पर 28 फरवरी 2019 को प्रकाशित भी हुई है। ये तस्वीर पिछले साल प्रयागराज के कुंभ मेले में तब खींची गई थी जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 विशेष बसों की परेड का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इन बसों की 3.2 किलोमीटर लंबी कतार लगी थी, यानी कि साफ है कि ये तस्वीर अभी की नहीं है बल्कि ये पिछले साल की है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से कांग्रेस मजदूरों की मजबूरी पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस के ऐसे रवैये पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।